आपके अगर अकल हो, आप इसे सोचे और समझे, तो आप जान सकते हैं कि ये वाइब्रेशंस आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, और कहीं मिलते ही नहीं है, आपके अपने हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो जहां से मिले हैं और जिसने ये कार्य किया है, उसके प्रति पूर्णतया जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक आपके वाइब्रेशंस का फ्लो हो ही नहीं सकता। और इसकी गवाही यहां पर देने वाले कम से कम कुछ नहीं तो 50% लोग बैठे। शरणागति के बगैर होता नहीं। और आदमी इतना अहंकारी है, उसको हमने वाइब्रेशन दे दिए, उसको हमने ठीक कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसको सब समझा भी दिया, तो भी उसके शरणागति नहीं आती। पर अभी अगर किसी को आंदे एक अंगूठी निकाल के देगा तो हो गए उसके पैर पे, सब बेच बात के उसके चरणों में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके उस पर कविताएं लिखेंगे, उस पर किताबें लिखेंगे, उस पर ये लिखेंगे, उस पर वो लिखेंगे। लेकिन हमारे यहां ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, जिन पे कि अभी केस भी करने का ये लोग सोच रहे हैं, यहां से मेरा भाषण चुरा के ले गए और वहां पे अपना बना के लिखे। ऐसे भी लोग यहां पर आए और उनके वाइब्रेशन नहीं। अरे किताब लिखने से क्या आप कितना लिखेंगे? आप जानते हैं क्या, यहां तो सारा की सारा समुन्द्र पड़ा हुआ, दो चार बातें हम कह देते हैं वो आप लिख देंगे किताब, उसे क्या फर्क पड़ने वाला। समाज संसार असलियत को जान लेता है, आज नहीं कल। और लोग थूकेंगे उन लोगों पर, मैं तो कहती हूं कि कोई जरूरत ही नहीं ऐसे पे केस क्या करना, वो अपनी कर्मगति से जाएंगे। क्योंकि ठीक है आपको लिखना ही चाहिए क्योंकि ये सत्य है, आपको कहना ही पड़ेगा, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये कहां से आया। ये परमात्मा का विधान है, हमारे फोटो के सिवाय अगर आप काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सोचे कि हमारे फोटो के बगैर ही काम हो जाएगा तो नहीं होता। इसके लिए बहुत से लोग आपसे यहां बता सकते हैं, अगर आप उनसे पूछे तो वो आपसे बता सकते हैं कि बात बिल्कुल सही है कि माता जी के नाम और फोटो के बगैर काम नहीं, सहस्त्रार पे ही ये स्थान है। इसलिए सहस्त्रार के मंत्र में हमारा नाम होना अत्यावश्यक है। एक हम अभी गए थे किसी बाबा जी के पास में, वो रियलाइज है खुद, लेकिन अहंकार तो अभी उनमें है, और उस अहंकार में बसा बसा दोनों में तो बसा ऐसी तय गई है बसा, उस अहंकार में उन्होंने जो नाम लेना शुरू कर दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ माता जी कहेंगे, माता जी निर्मला देवी नहीं कहेंगे, सबके सहस्त्रार बंद हो गए। बाद में उन्होंने कंप्लेंट करी एक वहां हमारी शिष्या उनसे कि भाई क्या बात है, इस पे तो मंत्र पे चलता नहीं, सहस्त्रार खुलते नहीं, क्या बात होगी। उसने कहा अच्छा कहिए आप मंत्र। जब कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा तो उन्होंने वेरी नाइसली वो नाम निकाल डाला था। वो कहा कि भैया माता जी के बगैर ये चलने नहीं वाला, सहस्त्रार पे अभी आपको मैं दिखा दूं। जैसे ही उसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, तीन नाम के अंदर उन्हीं के खुद के वाइब्रेशन खुल के बन गए। हालांकि वो रियलाइज कब के हुए, ये सही बात है। आज आपके सामने मैं मुंह खोल के बात इसलिए कहना चाहती हूं कि जो गलत फहमियां हैं उसको दूर कर दो। दिल्ली में इसके कारण बहुत ही उपद्रव हो गया, बहुत ज्यादा उपद्रव हो गया, और उसी उपद्रव के कारण स्वरूप बहुत से लोगों के वाइब्रेशंस खो गए थे। फिर वहां भी मुझे उनसे खुले रूप से कहना पड़ा, और आपसे भी आज मैं फिर से खुले रूप से कह सकती हूं। इसमें आपका कोई अहंकार डुबाने की बात नहीं, आपकी मां मैं ही हूं ये जान लेना। अपनी मां को स्वीकार करने में जो आदमी झिझकता है और उससे आंख चुराता है, उस आदमी में धर्म ही नहीं, ये समझ लेना। आपने वाइब्रेशंस मुझसे ही पाए हैं और मैं ही आपकी मां हूं, इस बात को आपको स्वीकार्य करना ही होगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आप बगैर मां के पैदा नहीं हुए हैं। जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं बगैर मां के पैदा हुआ है, उससे बढ़ के महामूर्ख कोई नहीं। आपने वाइब्रेशंस हवा में नहीं पाए, अगर पाने के होते तो हमारा आना ही व्यर्थ हो जाता। इसलिए अपने मां को स्वीकार करो, मां का डिनायल बहुत बड़ा होता। ईसा मसीह जो कि इतना बड़ा आदमी था, उसने सलीब पर भी चढ़ के अपने मां से कहा कि मां तेरा बेटा कहां है और तू कहां है। वहां पर भी उस सलीब पर जबकि उसके बदन से लहू बह रहा था, तब भी उसने अपनी मां को याद किया। जो अपनी मां को भूल सकते हैं वो दुनिया में हर चीज को भूल सकते हैं। सारे संसार का कोई सा भी धर्म, राष्ट्र धर्म लो, समाज धर्म लो, कोई सा भी धर्म ऐसे आदमी के अंदर नहीं आ सकता है जो अपनी मां को नहीं मानता। इसलिए जो आपने वाइब्रेशंस पाए हैं और जो लोग पाने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि मां का इससे पूरा ही संबंध है और अधिकार है। हालांकि उसमें आप देख कुछ नहीं सकते, आपका अधिकार ही, आपका लेने का ही अधिकार, मेरा तो देने का अधिकार, मुझे आपसे लेना कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके वाइब्रेशंस कल खो गए तो फिर से मैं मुंह खोलकर आपसे नहीं कहने वाला, इस बात को आप समझ। हर एक आदमी के लिए ये बात प्रमाण है, और यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके अनुभव लिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और देखा हुआ।
कल मैं दूसरी बात बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी है, जिसे कि आप भूत बाधा आदि कहते हैं, वो क्या चीज है और वो है या नहीं और वो किस तरह से एक्ट करती है और उसका क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ डिटेल्स में कल बताऊंगी। लेकिन आज जो है मैंने योग पे आपसे बताया, हठ योग पे, जो सूर्य नाड़ी पर काम करती है अधिकतर। अब आपको प्रश्न हो तो थोड़े पूछ लें, फिर हम लोग ध्यान में जाएं। जिसे भी प्रश्न हो पूछ लें, जिसको भी कोई प्रश्न हो उसे पूछ लें। काय एवढं इमारा हिंदी समजत नाही का, असं कस? हा बोला, प्रश्न विचारा मराठी। हा आता असं आहे की रोज मी तेच रेकॉर्ड लावलाय बरं, म्हणून आज जरा दुसरं रेकॉर्ड लावलं म्हटलं तुम्हाला जरा हसवावं, म्हणून मी आज योगावर बोलले की योगाचे काय आहे। सहज योगावरती फक्त एवढं समजायचंय की सहज, सह म्हणजे विथ, ज मीन्स बॉन्ड, आणि त्याच्यावरती एक आर्टिकल ह्या लोकांनी दिलेलं आहे, तेव्हा ते वाचून टाका तुम्ही। उद्या सहज योगावरती वाचायची काय गरज नाही, त्याची भाषा मूक आहे आणि ते एकदम होतं। जसं की एक बीज आहे, ते कसं जन्मतं, त्याच्यातनं कसे येते, हे कसं कळतं, हे आपोआप होतं, त्याला काही भाषा नाही, त्याला काही नाही। बीज कसं जन्मतं, त्याच्यातनं बीजातनं अंकुर कसं निघतं, हे कसं अगदी सहज होतं, तसंच तुमचे अंकुर स्वतः निघतात आणि तुम्ही त्या नवीन दशेला स्वतःच प्राप्त होता। हे साध्या शब्दात सहजयोग आहे। त्याच्यावर भाषण द्यायचं म्हटलं तर पसाभर, पसाभर। कारण असं आहे की एक दिवा आहे, आता लावा, हा पंखा लावायचा असला तर नुसता तुम्ही एक बटन दाबला की पंखा चालला, पण ते एवढं सोपं नाही आहे। लावायचं सोपं आहे, तेव्हा आधी दिवे लावून घ्या, त्याच्यानंतर मग मी सांगतेच आहे, रोज तेच चालूच आहे, सहजयोग म्हणजे काय, सहजयोग म्हणजे काय, बरं का? तरी नवीन असला तरी हरकत नाही, पार तुम्ही होणार, पार आधी घ्यायचं बस। जो लोक बिमार है, हां काय बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ बेटे, उसको तो कुछ समझना ही नहीं चाहिए। उसको क्या समझना है, वो तो अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड छोटे छोटे बच्चे, वो तो जल्दी से पार हो जाते हैं, वो कोई एजुकेशन थोड़ी है उसका, ये तो प्रकृति की अपनी एक प्रक्रिया है, इसका कोई एजुकेशन नहीं। जितना पढ़ा लिखा हो मुश्किल जाता है मुझे, जितने पढ़े लिखे होंगे भगवान बचा रखे, उनसे तो सरदर्द हो जाता मेरे को, जितने कम पढ़े हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि पढ़ के वो भी एक अहंकार, एक तरह का विचित्र अहंकार उस आदमी में था। कोई जानने की जरूरत नहीं, तुम पहले लाइट जला लो, तुमको कुछ जानने की जरूरत है कि ये लाइट कैसे जलाना? कोई जानने की जरूरत नहीं, बस बटन दबा दो जल जाएगा। फिर उसके बाद में तुमको इंजीनियरिंग समझाऊंगी ना, सबको समझाया, तुमको भी समझाऊंगी। उसका जो गुह्य से गुह्यतर है सारा ही, जितना भी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, उसने जिस तरह से अपने शक्ति से कार्य किया और आज इस कलयुग में वो करने वाली है, वो सभी बताऊंगी, उसमें कोई शंका की बात। कोई विश्वास रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आप विश्वास नहीं रखिए, लेकिन आप इसका मतलब नहीं कि आप अविश्वास ही रखें, उसको खुले रखें, अपने दिमाग को, अपने दिमाग को आप खुले रखें। विश्वास रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, विश्वास रखने से कभी कभी और भी दोष हो जाता है कि आप मेरे पे परम विश्वास से आए, ये दोष हो सकता है। आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं, आपको, आप हिलते क्यों हैं, शांति से बैठ, आपको विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहिए, अकस्मात आपके अंदर प्रकाश आ जाएगा। आपको क्या सूर्य पे विश्वास करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं। क्या ये जो पत्तियां हैं सूर्य पे विश्वास करती हैं, जिनका रंग हरा हो जाता है सूर्य के प्रकाश से? सब अपने आप से होता है, आप विश्वास करें चाहे न करें, परमात्मा तो है ही। विश्वास करना और न करना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, न विश्वास चाहिए, न ही उसका एजुकेशन चाहिए, न ही उसके लिए कोई बल प्रयोग चाहिए, कि उसके लिए कोई शक्ति चाहिए कि सर के बल आप खड़े हैं कि नाच रहे हैं कूद रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ मुंह पर आप एक्सप्रेशन मत लाइए, यहाँ किसी को ठगा ठगी नहीं करने की है, आप ही को पार होंगे। बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि ऐसा विकट मुंह बना लेंगे, कहीं हंसने वाला, कहीं कुछ, वो सोचते हैं इससे ही कोई इंप्रेशन मार देंगे। इंप्रेशन तो भगवान पे पड़ना चाहिए, अगर आपका संचित है तो हो जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आप हिल क्यों रहे हैं, कंट्रोल करिए। किसको? हाँ है, अनेक जन्म होते हैं, पुनर्जन्म है। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी तो उसकी सिद्धता तुम्हें बाद में आएगी, उसको सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पुनर्जन्म पे नहीं जाएं। उसकी वजह यह है
कि मैंने देखा है कि हिंदू का जो माइंड होता है, जो आज हिंदू है, ये पहले मुसलमान भी रहे, इनका जो माइंड होता है इसमें पुनर्जन्म की भावना बड़ी तीक्ष्ण होती है। उसके कारण वो पास्ट में ज्यादा रहते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे। अरे भाई कुछ भी रहे होंगे, आज क्या है, अभी प्रेजेंट दिस मोमेंट, ये जरूरी चीज है। इसलिए पुनर्जन्म पे आप चित्त न दें। जो भी हो, पुनर्जन्म हो गया होगा, कोई हर्ज नहीं। आपके जो कुछ भी कर्म है, वो पीने के लिए मैं बैठी हूं, उसका शोषण ही करने के लिए बैठी हूं, सब कुछ कर लो, लेकिन सिर्फ इतना करो कि प्रेम से, अपने प्रति प्रेम से और सारे ही समाज के प्रति प्रेम से, सिर्फ प्रेम से अपनी ओर बैठो। किसी के प्रति कट्टरता मत रखो, किसी के तरफ द्वेष भाव नहीं रखो, अत्यंत प्रेम पूर्वक रहो। फिर किसको अपने मन से हटाना है, कौन राक्षस है, कौन दानव है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूं। हाँ, आप पार हो गए, माने ये पार होने का भी एक कुछ मैंने ऐसा देखा है कि हमारी ऐसी कल्पना होती है कि पार होने का मतलब ये है कि हम कृष्ण बन गए, ऐसा नहीं होता। जो नहीं होता सो नहीं होता, जो होता सो होता है, उसमें कोई हमारे कहने से चीज नहीं होगी। पहले निर्विचारिता आती है आपके अंदर में, जैसे ही आज्ञा चक्र को कुंडलिनी लांग जाएगी आप निर्विचार हो जाएंगे, आप में एक तरह की ब्लैंकनेस आ जाएगी, लेकिन सर में बहुत हेवीनेस रहेगी, लाइटनेस नहीं आने वाली। और जिस वक्त में आज्ञा चक्र को लांग करके कुंडलिनी ब्रह्मरंथ को छेद जाएगी, तब एक तो आप एकदम लाइट हो जाए, आपके हाथ में ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठंडी 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 लहर सी आ रही। किसी किसी में शुरू में गर्म गर्म आएगी, जब जैसे ही ठंडी ठंडी आने लग जाएगी लाइटनेस भी आने लग जाएगी। थोड़ी देर में वो काफी आने के बाद में आप एकदम लाइट फील करेंगे और अंदर से ऐसा लगेगा कि आप निर्विचार भी हो गए हैं, लेकिन आप पूर्णतया सतर्क, पूर्णतया आप सतर्क हैं, माने आप सोए हुए नहीं, आप सतर्क, ऐसा आपको लगेगा। फिर उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि माता जी जब हम निर्विचार हो गए उसके बाद हमें एकदम निर्विकल्प हो जाना चाहिए, होना तो चाहिए, हमारी तो यह इच्छा पर होता नहीं। इसमें से हमारे जो हमने 5-6 साल आज मेहनत करी है लोगों पर, उसमें से हम कहेंगे कि 5% लोग ऐसे हैं कि जो एक बार पार हो गए तो निर्विकल्प पे ही खड़े हो गए, ऐसे भी लोग हैं, बहुत ही वो ऐसे लोग हैं कि वो बहुत ही पीछे रहते हैं, और मैं जानती हूँ पॉइंट्स कहाँ हैं और कहाँ पे बैठे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग, अधिकतर लोग निर्विचारता में। मतलब क्या है कि आप यहाँ बीचों बीच आकर के यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलते रहते हैं, यहाँ से आप अपना ईगो सुपर ईगो दोनों को देखते हैं और वो नीचे भी उतार सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं, अनेक उसके विधि से है आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको सारी विधियां, उसकी सारी मुद्राएं, उसका तरीका, ये जो है इस तरह से घुमाना और ये सब कुछ आपको सब आप सीख सकते हैं, वो हम लोग सिखाएंगे, लेकिन आप पकड़ के जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा पकड़ गया। माने मैंने अभी जैसे आपने कहा जनार्दन स्वामी जिनसे मैं मिलने गई थी, तो जैसे मैं गई वो बड़े भारी साधु पुरुष हैं और वो नागपंथी पार आदमी है, तो उन्होंने देखते साथ मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा पकड़ा और मेरा विशुद्धि पकड़ा है, दोनों को जरा साफ कर दीजिए। मतलब ये कि आप देखते हैं कि आपका आज्ञा और विशुद्धि पकड़ा है, माने आप देखने लग जाते हैं, आपके अंदर अवेयरनेस आती है। आपको अभी तक मालूम नहीं कि मेरा हृदय कहाँ चल रहा है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, पर जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं तो आपको फौरन लगता है यहाँ से कुछ उठ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आपको लगता है यहाँ पकड़ लिया, यहाँ पकड़ लिया, फिर आप ऐसे ऐसे करके उसको निकाल दीजिए निकल जाएगा, यहाँ कुछ कर दीजिए वो निकल जाएगा। वो कैसे निकालने का वो हम बता सकें, माने आप और आपकी मोटर कार जो है वो अलग हो जाए, फिर आप अपनी मोटर कार भी साफ कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये चीज पहले हो जाती है जो निर्विचार आदमी हो जाता है उस वक्त, पर निर्विचारिता आने के बाद भी जब तक आपकी स्थिति थोड़ी सी जमती नहीं श्रद्धा में, क्योंकि अब श्रद्धा शुरू होती है जब जानने के बाद, जब वाइब्रेशन आ गए तब श्रद्धा में आना पड़ता है, तब आप जबरदस्ती तो भी यहाँ आए, पता नहीं आए कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरह से आप करते रहेंगे तो बनने नहीं मामले। जरा सा उसमें स्टेडीनेस जैसे आपके अंदर आ जाएगी, वैसे ही आप देखिएगा कि आपके हाथ से आप लोगों की कुंडलिनियों को जागरूक करेंगे, कुंडलिनी को आप जागरूक करेंगे, इतना ही नहीं आप कुंडलिनी को जागरूक करेंगे, काय बात सुन रखवा, मैंने बात सुन रखवा, बात ऐसे नहीं, अच्छा इधर लिया, हाँ कौन सा काला मधे, नहीं नहीं हे सगळ्या वेळेला करायचं, त्याला काही प्रतिबंध नाही। उलट तुम्ही एकदा पार झाला, आप जर एक बार पार हो गए और जरा सी निर्विकल्पता है तो आप ध्यान में ही रहते हैं, आप ध्यान में ही रहते हैं, हर समय ध्यान में रहते हैं, फिर क्या सूतक और कौन क्या और क्या, हर समय आप ध्यान में रहते हैं, लेकिन विशेष दिनों का कुछ कुछ असर होता ही है, जैसे आप महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष रूप से कार्य बना, ये सब दिनों का बड़ा महत्व होता है। वो दिन सबको मैंने एयर कंडीशनर में डाल दिया था, सबकी हालत रो रही थी,
तो वो हो सकता, लेकिन तो भी जैसे सूतक के दिन आपका मन जब दुखी रहता तो ज्यादा ही ध्यान में रहेगा, उसमें कोई अशुभ तो कभी होता ही नहीं, इससे कभी भी अशुभ नहीं होगा। यानी आपको आश्चर्य होगा, एक सांप थे उनको बाधा ने पकड़ा, आप समझ लीजिए, और उनके कारण 10 और सहयोगियों को पकड़ा। अब 10 सहयोगी उनसे बहुत इंप्रेस्ड हो गए थे पहले से, अब उन्होंने पकड़ा, तो मैंने कहा कि उसको तुम लिख करके और 25 जूते लगा, 21 वैसे कहते हैं 21 जूते लगा। उन्होंने उसको जूते लगा, ये लोग को छूटे नहीं पर वो छूट गया, क्योंकि इन 10 आदमियों ने उसको लगाए तो उसको उतने जूते 10 मरतबा लगे, और ये लोग अपने को जो मार रहे थे वो एक ही मरतबा लगे। जूता भी मारिए तो भी आप छूटे, कुछ भी करिएगा उद्धार ही होगा। हम आपको अगर डांट दें तो भी उद्धार होगा, हम आपको प्यार कर लें तो भी उद्धार होगा, मतलब उद्धार ही होने वाला है, इसे संहार होना ही नहीं है, उद्धार ही होने वाला। आप अगर कल कहें माता जी वो फलाने मेरे को बहुत सता रहे, आपको मार डाली, मैं उसको मारने को जाऊंगी तो उसका उद्धार हो जाएगा, वो अच्छा होकर इधर आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, इससे और कुछ होने नहीं वाला। जैसे आप कोई कहते हैं कि भाई इसको हटाओ, ये मिनिस्टर अच्छा नहीं, इसको हटाओ, मैंने कहा उसको हटाना का है को, उसी को बदल देते ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा इससे, कोई आदमी निकलेगा नहीं, हटेगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई अगर महादुष्ट होगा तो विचलित हो जाएगा, उसको परेशानी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो भी अपने चक्कर में आ जाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। फिर आप उसको चाहे डांटो, चाहे मारो, चाहे उसको कुछ भी करो, चाहे वाइब्रेशन दो, चाहे उसके बारे में सोचो, आप उस पर बंधन डालो, आप देखिएगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, किसी का बिगड़ने नहीं वाला। अब जैसे बहुत से लोग हैं कहने मेरी सासू मुझे बहुत सताती, मैंने कहा ठीक है सासू को तो चप्पल नहीं मार सकते तो अधर्म हो जाए, तो ठीक है तुम उस पर बंधन डालते बैठे रहो सासू जी के नाम से। थोड़े दिन में पता हुआ कि सासू जी आई, एकदम लाल लाल उसका मुंह गया, उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई, और कहने लगी कि मुझे तो तुम पे इतना प्रेम आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना तुम्हारे ऊपर प्रेम आ रहा, तुम आश्चर्य करते हो कि यही वो है क्या, ये कैसे होगा। और उधर वो भी जवान दिखने लगे, उसके मुंह पे भी एक तेज आ गया। इससे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि मनुष्य ही में भगवान होने की भी क्षमता है और राक्षस होने की भी क्षमता है, इससे मनुष्य भगवान की ओर जाएगा। चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें, आप चित्त में उस आदमी के लिए विचार ही ला, उसी वक्त वो आधा छूट जाए। उसको आप मारो, डांटो, पीटो, कुछ भी करो, उसका भला हो एक दशा में जाने के बाद, ये नहीं कि आप पार होकर मारना शुरू करें। एक चीज को समझ लेना चाहिए जानबूझ के, ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई चेंज करने का नहीं, कुछ चेंज करने का है, मनुष्य बदल जाता है। और कोई प्रश्न है? एक दो मिनट है। का मतलब नहीं, ऐसी तो बात नहीं, कुछ छोड़ने की बात नहीं, लेकिन उसका शास्त्र सीखना पड़ेगा। अब जैसे आपको बताते हैं, सीधी बात है कि ज्यादातर लोग हैं राम का नाम लेते, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ इसकी बीमारी के बहुत लोग आते हैं। अब राम आपके हृदय चक्र में देखो व्यवस्थित है, अब वो राम का नाम लेते हैं, हृदय चक्र ही उनका पकड़ा रहता है, क्योंकि क्या है कि जहां से नाम लेने का उसका मार्ग बंद है और आप उसी पर ठोक मार रहे हैं, ठोक मार रहे हैं, इस वजह से आपका राम नाम पकड़ा रहता है। तो अब ऐसे आदमी का अगर हृदय चक्र ही पकड़ा हुआ है तो रियलाइजेशन के बाद में हम रियलाइजेशन देते वक्त राम ही का नाम लेते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन है इसलिए उसका दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तो भी उसको केयरफुली रहना चाहिए कि अपने हृदय चक्र पर ज्यादा चोट न करे। यह समझ लीजिए किसी आदमी को पेट का कैंसर है और वो कृष्ण का नाम ले रहा है तो उससे उसको फायदा नहीं होने वाला, उसको तो किसी गुरु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वैष्णवी पावर जो है धर्म की उसको इस्तेमाल करना पड़ता है कैंसर के। अब किसी का अगर आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ है, किसी का माने ये कि विशुद्धि चक्र नाम से विशुद्धि चक्र पहली चीज पकड़ेगी और फिर जिसका नाम लोगे वो चक्र पकड़ेगा। जिन्होंने भी नाम लिया वो मुश्किल काम, और जिन्होंने आप ही लिया तो वो अति मुश्किल काम। तो आपने अगर नाम स्मरण किया है यहां से कृष्ण के लिया तो बस यही पकड़ेगा, लेकिन आपने अगर और किसी का शिव जी का किया तो हृदय चक्र और ये कॉम्बिनेशन जम गया, आप दोनों को छुड़ाना पड़ता है। अच्छा फिर हम शिव जी से ही छुड़ाएंगे और राम से कृष्ण से ही छुड़ाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है और उसी को आपको छुड़ाने के लिए आपको कौन सा नाम लेना चाहिए। संध्या भी या कोई सी चीज है उसका जब तक आपको शास्त्र पता नहीं और शास्त्र से काम करना सहयोग के विरोध में पड़ता है। सबका अत्यंत शास्त्र, उसका प्रोटोकॉल है, उसका तरीका है, उसका ढंग है, तो हम बात बात पे बताते रहे। जैसे एक हरिद्वार हम गए थे, यहाँ आए वो वहां से बैठे हैं, बहुत वो भी एक बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं, लेकिन वो बेचारे उन सबसे मैंने कहा था कि गंगा जी मेरे सर पे नहीं चढ़ सकती, इसलिए आप सर पे मत डालना चाहे और कहीं पानी पड़ जाए,
लेकिन केयरफुल रहना मेरे सर पे मत आ। लेकिन उन्होंने शायद सुना नहीं, शायद हो सकता उन्होंने थोड़ा सा पानी की छींटे मेरे सर पे ऐसे डाल दिए। फौरन गंगा उसको खींच के ले जाने लगी। मुझे मालूम था जैसे पानी पड़ा मैंने पहले उनका पैर पकड़ा। वो बच तो गए लेकिन 107 बुखार से 7 दिन पड़े। प्रोटोकॉल होता है हर एक चीज। आप है मेरे और अगर पैर करके बैठे वाइब्रेशन पे, सब चीज की इज्जत होती है। ये चीज हिंदुस्तान के लोगों को आती है। अमेरिकन लोगों को भगवान भी माफ कर देता है, वो जानते ही नहीं कि उनको कुछ समझता ही नहीं है कि किस तरह से इसका होता है। सब जिस तरह से संपन्न करना चाहिए उस तरह से पूर्ण संपन्नता है, उसकी श्रद्धा है, उसका तरीका है, कि एक प्रोटोकॉल है। आप कौन सी उंगली से कुंकू लगाएं हर एक चीज का है। इस उंगली से आपका आज्ञा चक्र का है। हर एक चीज में आपको पता होना चाहिए कि ये उंगली आपको कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, ये कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है। सब धीरे धीरे आपने जितने भी यहाँ जिसको रिचुअलिज्म कहते हैं वो कहाँ से आया, वो क्यों आया, ओम का क्या मतलब है, सब चीज आप समझ लीजिए। इस सब चीज में अर्थ है। और जो प्रार्थना है परमात्मा से प्रार्थना करने की होती है, जो नमाज है, जो बैप्टिज्म है, ये सब चीजों का अर्थ आपको सिर्फ सहयोग में लग सकता है क्योंकि अभी पहले मरतबा आपके वाइब्रेशन शुरू। जब तक आपके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए तो आप क्या उसका उपयोग दिखाएंगे। हवाई बात हो जाएगी, ये पंखा चलने लग जाएगा, ये होने लग जाएगा। पहले बिजली तो आए, मगर उसके क्या हो? जैसे हर एक चीज के बटन यहां लगे हुए हैं, आप दबा रहे एक बटन चल दूसरी चीज रही। उसका सारा शास्त्र सीखने के बाद आप अंधे जैसे जो आज तक करते हैं वो आपको पहले शुरू में छोड़ना होगा पूरी तरह। जब आप पूरी तरह से उसको छोड़ेंगे तब उसके शास्त्र के अनुसार पूरा आप सीख लीजिए, तब समझ लीजिए, तब आपको पता होगा। जैसे आज ही उन्होंने पूछा कि कुंभ की स्थापना क्या चीज होती, उसी पर मैंने आधा घंटा उनको सुना। उनका तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं। मैंने कहा भाई उस वक्त लिखते तो क्या फायदा था? आज तुम लोग समझते हो तो बता रहे। बहुत सी बातें आप ये कहेंगे कि माँ हमने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं था, लेकिन उसका साक्षात होगा आपको, मतलब आप देख सकेंगे कि ऐसी ऐसी चीज। हाँ कहा है? अभी ये लोग बैठे जो ऐसे ऐसे हाथ करें ना, ये लोग सब जानते हैं कि कहाँ हमारा चक्र पकड़ा है, कैसे हमको कुंडलिनी उठाना है, किस तरह से हमको बंधन लेना, ये सब लोग जानते हैं। जो लोग जानते नहीं है वो सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मंत्र विद्या क्या कर रहे हैं। इसका एक तरीका होता है, इसका एक ढंग होता है। अभी किसी का भी आज्ञा चक्र पकड़ गया तो वो यूं पकड़ के बैठ जाए। वैसे तो विचार से भी आप अपने सारे चक्रों को साफ कर सकते हैं। जब गति आपकी ऊंची हो जाती तब आप इतने हाथ पैर नहीं हिलाते, फिर जरा सा कम हो जाता है। जरा सी ऊंची गति पे पहुंचने पर आदमी फिर मन से ही उस चीज को सफाई कर सकता है, चित्त से ही उस चीज को सफाई कर सकता है। अच्छा अब जाए ध्यान में। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, वो लोग भी ऐसे हाथ करें हमारे, और कम से कम 4 दिन ध्यान में जरूर आइए। 4 दिन में आप जरा सा अच्छे से स्टडी हो जाएंगे। इसके स्टडीनेस की जरूरत होती है, कोई गारंटी किसी चीज की नहीं है, ये होना पड़ता है। आप आंख बंद करें और जो आप पार हो जाएंगे तो हमको ही खुद इधर पता हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी आंख बंद करके और देखें आपके अंदर का ठंडा ठंडा आ रहा हो और आपके विचार का ठहर गए हो तो अब आप देखिए अपने अंदर। दूसरों को मत देखिए। एक आदमी आया आंख उठा के देख लिया, ऐसी चंचलता होगी तो कभी कुछ नहीं होने वाला। शांति से जिसको कि हम लोग कहते हैं कि काली उपासक हैं और कुछ कुछ नाम 50 दे रखे हैं, सांख्य विद्या है और दुनिया भर की चीज बना रखी हुई है, उसके नाम 50 है, उसको आप मैली विद्या भी कहते हैं, उसको भूत प्रेत विद्या भी कहते हैं, उसको लोग आजकल एक साहब है उसको कहते हैं कि कोई जीनियस इंटेलिजेंस उसका नाम बना रहा है, और ये सब भूतों के काम है। वो चीज जो महाकाली की शक्ति है उसका विपर्यास करने से या उससे मुंह मोड़ने से आ जाती है, या उसको अतिशय इस्तेमाल करने से भी आ जाती है। जैसे एक चीज से आप सूख जाते हैं तो दूसरी चीज से आप सड़ जाते हैं। जो मनुष्य आज जो मेरी आप बात सुन रहे हैं, ये सब आपके सुप्त चेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे, सब वहां समा रहे, वो वहां समाते जाती है और आप जितना सुप्त चेतन की ओर जाते हैं सबकॉन्शियस की ओर ऐसे बैठे बैठे ऐसे बैठे ऐसे आराम से यूं ऐसे हाथ करके आराम से बैठे, कोई अपने को तानिए नहीं, ऐसे बैठे आराम से हल्के जैसे माँ के सामने बैठे इस तरह से बैठे। सुप्त चेतन मन में
जब आप तो जो हम सुप्त चेतन मन में जब हम बहुत उतरने लग जाते हैं, मतलब जब हम लिथार्जिक हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जिस वक्त हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, कुछ भी वैराग्य नहीं लेते हैं और संसार की सारे ही प्रलोभनों में पड़ते जाते हैं, जिस तरह की शराब, औरतों के चक्कर, गंदे गंदे कामों में फंसना, इस तरह की हर एक चीज में जब हम बहुत घुसने लग जाते हैं, अतिशय खाना पीना, गालियां बकना और पान सिगरेट आदि अनेक तरह के विषयों में जब हम लिप्त होते जाते हैं, जैसे आजकल के तरुण हैं, उसी तरह से ये गंदे नाच और सब तरह की पवित्रता जब हम खत्म करके अपने माँ के प्रति भी जब हम, जैसे कि विलायत में हैं, माँ के प्रति भी वो गंदी दृष्टि से देख सकते हैं, इतनी उनमें गंदगी आ गई। 90 साल की औरत होगी और उसका रोमांस चलेगा तो कोई 20 साल की औरत के साथ, और वहां के पेपर में भी आते रहेगा, उसमें भी शर्म नहीं उन लोग को, रोज पहले पेपर पे आएगा, देखते साथ आदमी को लगे बाप रे बाप, महा घोर पाप, इतने पाप मय विचार वहां के लोगों के हैं। अपने यहां भी मैं देखती हूँ ये कौन कौन ये सब लोग औरतें जो हैं, एक उस दिन वो जोहर साहब की दीदी को मैंने देखा, मैंने कही ये तो बिल्कुल वेश्या जैसी बातें लिखी हुई है, सारी गंदी गंदी बातें लिखना, खुले तौर से लिख देना, वो गंदी औरतों के फोटो टांगना और इस तरह से अपनी माँ को रास्ते पर बेचना, इस तरह के जो गंदे काम होते रहते हैं उससे आदमी इस दूसरी दशा में जाता है। उसमें वो आदमी बातचीत करने में जरूर मधुर लगेगा, उसमें मिठास होगी। एक शराबी आदमी होता है, अधिकतर शराबी आदमी बड़ा ही ज्यादा दिल का बड़ा होता है, क्योंकि वो अकेला बैठ के शराब नहीं पिएगा, 10 आदमियों को बुलाएगा उसके साथ शराब पिएगा। हमेशा जो पियक्कड़ लोग होते हैं उनको ये तो परवाह नहीं होती कि मेरी बीवी घर में बच्चे मर रहे हैं क्या हो रहा है, उसको तो इसी में आओ भाई तुम भी आओ शराब पी, कोई होशो हवास उनको नहीं रह जाता, उनको किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है। उनकी अगर माँ मर जाए तो वो कफन के लिए पैसा लेने जाएंगे बाहर, किसी से भीख मांग के लाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा रहता नहीं, तो उसी फिर रास्ते में अगर शराब की दुकान पड़ गई तो माँ गई उधर में पड़ी रहेगी और रास्ते में बैठ करके शराब पी जाएगी, यानी जिससे सारा ही सारा सार विचार टूट जाए, सारा ही धर्म टूट जाए। इस तरह के इंटेलिजेंसेस में जो पड़ता है तो एक तो एक्सीडेंस के एक्सट्रीम पे जो रहता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था योगी लोगों की बात, और आज ये दूसरे तरह के महागंदे लोग जो सड़ जाते, जिनमें कीड़े पड़ जाते, यही भूत है। कोई चीज सड़ जाने पे, मर जाने पे उसमें जिस तरह से कीड़े पड़ती है, वैसे ही आपके अंदर में भी इसके कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको एंटीजिनी कहते हैं, अगेंस्ट लाइफ, जिसको आप लोग वायरस इन्फेक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा कि संसार में वायरस इन्फेक्शन होता है, जिसको आप वायरस इन्फेक्शन कहते हैं वो भी यही कीड़े होते हैं जो आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस में, माने सामूहिक सुप्त चेतन जो चारों तरफ में, वहां से एकदम से हठात चले आते, और उनके आने के कारण में संसार में जो मॉलिकुलर चेंजेस हो जाते हैं, माने हरेक जो अणु रेणु है वो बदल जाते हैं, उसका जो घुमाना है, जो इस तरह से घूमना चाहिए तो उल्टे घूमने लग जाता है, जो स्वस्तिक हमारा गणेश जी का है उसके उल्टा स्वस्तिक घूमने लग जाता है, और जब वो उल्टा घूमने लग जाता है सारा मॉलिकुलर चेंज हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन आ जाता है, संसार में लोग हटाते एकदम से, उनको चक्कर आ जाती है, गिर जाते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, कोई लोग पागल हो जाते हैं, कुनी का आपने सुना होगा कि उनके रेटिना जो है उसका डिटैचमेंट हो जाता है और उनको दिखाई नहीं देता, उसके बाद वो अंधे हो जाते हैं और इस तरह के 50 हो चुके हैं। वो जो एंटीजिनी आती है संसार में और जो ऐसे कार्य को करती है, वो तो कोई कंट्रोल नहीं आती, वो आती है अपने आप से एकदम, काफी सारे मरे हुए ऐसे जीव आते हैं संसार में, असर कर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, उनके असर लोगों पे आ जाते हैं, यही वायरस इन्फेक्शन। लेकिन बहुत से ऐसे लोग संसार में हैं कि जब कोई मर जाता है, खासकर कोई अगर बड़ा दुष्ट मरा हो तो उसकी खोपड़ी पर काबू कर लेंगे या उसकी हड्डियों पर काबू कर लेंगे, उसके स्मशान तक जाएंगे, उसकी कब्रें खोदेंगे, उसमें से उसके निकाल लेंगे और उस पर एक प्रेत विद्या की तरह से उस पर हावी हो जाए, उसके मंत्र करते हैं, उसका नाम जपते हैं, उसको ये करके वो करके उसको अपने काबू में करते हैं। हम लोग असल में कोई मरते थोड़ी ना, थोड़ा सा हिस्सा हमारा मर जाता है और बाकी का हिस्सा ट्रांसपेरेंट सा संसार में सब दुर्विचरण करते रहता है। अब वो मरे हुए लोगों के भी 7 लोक हैं, 7 लोक में इंसान रहते हैं। अब जो लोग पार हो गए ये देवलोक में रहेंगे, ये कभी भी किसी आदमी की
साइकी में कभी नहीं घुसने वाले, चाहे अपना खुद लड़का मर गया हो, अपनी खुद बीवी मर गई हो, कभी उसके साइकी के अंदर नहीं घुसने वाले। लेकिन उसके नीचे में भी, देव योनि के नीचे में भी बहुत से लोग हैं राक्षस योनि, जो लोग राक्षस योनि तक आ गए, उस राक्षस योनि के लोगों को भी यह इच्छा होती कि संसार में आए और अपना राक्षसी पना दिखा। तो वो संसार में आते हैं, कुछ तो रूप धारण कर लेते हैं मनुष्य का जैसा, और कुछ लोग जो है ऐसे ही विचरण करते रहे। उन लोगों पे ये लोग हावी रहते हैं और उनको आपके आज्ञा चक्र से, नाभि चक्र से आपके अंदर डाल देते हैं। इसीलिए कलयुग जो है ये मिक्सचर है, सारे मिश्रण हो, साधु संतों का भी आज्ञा चक्र में ये घुसा देते। अब आपको पता नहीं चलता कहाँ घुसाते हैं, कब घुसाते हैं। जब तक आपको कैंसर नहीं हो जावे, जब तक आप फिजिकली कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए, आपको यही नहीं पता होता है ये भूत कहाँ जाए। किसी को ये समझ ही भी नहीं आता है कि हमें ये बीमारी कैसे हो गई। बहुत से लोग आते हैं, माता जी मुझे रात में नींद नहीं आती, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे बड़े भयंकर सपना आते हैं, बड़ा डिप्रेशन रहता है, सब कुछ है लेकिन मैं बड़ा डिप्रेस रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या है। फिर दूसरा के बताता है, मेरी बीवी है इतनी विचित्र है कि उसका मेरे समझ नहीं आता कि वो हर समय मेरे ऊपर क्यों बिगड़ी रहती है। फिर पता हुआ कि बिल्कुल वो राक्षस जैसी रहती है। इस तरह की आजकल बहुत सी किताबें निकली हुई हैं जिससे उन्होंने इस शक्ति का वर्णन किया हुआ है। उसमें से एक किताब है एग्जॉर्सिस्ट, बड़ी गंदी तरीके से लिखी है वो, लेकिन उसमें दिखाया कि 11 साल की लड़की जो है, 11 साल की लड़की का किस तरह से मन विक्षुब्ध हो गया। इस तरह की भी बात लिखी हुई, और बहुत सी ऐसी बातें आजकल संसार में आ रही। लोग देख रहे हैं कि हजारों के पास सिद्धियां आ गई, मैंने आकाश से आप ऐसा करिए, एकदम से आपने ला करके अंगूठी रख दी, आपने सोचा हा 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 महात्मा जी क्या कहने, अंगूठी ला के हमें दे दी महात्मा जी के चरणों में चले, और महात्मा जी ने एक भूत आपके अंदर भर दिया अंगूठी के साथ। उसका दूसरे दिन आप बीवी का जेवर चुरा करके लेकर महात्मा जी के चरणों में डाल दी। आपने ये नहीं सोचा कि महात्मा जी ने मुझे अंगूठी दी, मेरे नौकर को क्यों नहीं दी भाई, सारे संसार के प्रॉब्लम क्यों नहीं हल करते, इस देश के तो कम अज कम करें। बड़े भारी गुरु भगत हो गए आप, आहा हा गुरु जी महाराज क्या कहने, आपके अंगूठी आपने हमें दे दी क्या कहने। बड़े बड़े इस चक्कर में घूमते, वो उनकी कमजोरियां हैं, वो अंगूठी लेने, उनको अंगूठी इंप्रेस करती, अंगूठी लेने जाते। और ये रईसों को और बड़े बड़े पदाधिकारियों को अंगूठियां क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं इन गरीबों को देते, ये कभी नहीं। फिर एक दूसरे तरह के होते हैं, वो आपने को हिप्नोटाइज कर सकते, वो ऐसी आपसे मीठी 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 बातें करेंगे आपसे, जैसे बहुत सी औरतों को कहते हैं कि साहब मैं आपका पूर्वजन्म का पति था। अब औरतें इतनी गधी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि पूर्वजन्म का होगा तो होगा, चूल्हे में गया अभी जो बैठा हुआ है उसको छोड़ के इसके पीछे का को भागने का। खासकर जो औरतें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, जिनके आदमी बदमाश होते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनकी औरतों को तो ऐसा आदमी बड़ा अच्छा लगता है, लग गए उसके पीछे। अब साहब वो मेरे गुरु महाराज, हाँ 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 हाँ, मुझे तो उन्होंने बिल्कुल एकदम मेरी हालत खराब कर दी। ये नहीं जानती कि उनके अंदर की जो सेक्स की दबी हुई प्रवृत्तियां हैं उसको उभार करके और उसको संजो करके वो आप पे ऐसा आघात करें और आपसे रुपया पैसा लेता। ऐसी मैंने केसेस देखी कि औरतों ने सारी अंगूठियां क्या चूड़ियां क्या वो सब ले। ये एक तरह का इतना। दूसरी चीज है, आपको डोरा बांध देंगे, आप डोरा बांध दिया, ये तो बहुत सस्ता मामला है, एक पैसे का डोरा 12 रुपए में बांध दिया आपने, लगा लिया डोरा आपके गले में और गए आप, ये सबसे आसान तरीका। तीसरा तरीका है कि आपसे कहेंगे कि मंत्र जपो। एक और है महाशय, उनका कि साहब आप एक श्रृंग है उसको जपो। अब वो महाशय बैठे श्रृंग श्रृंग जपते हुए, देखा क्या कि उनको ट्रांस आ गया, ट्रांस में चले गए, कहले साहब ये तो जीनियस हो गए, इनका ब्रेन बढ़ गया, उनके अंदर एक भूत आ गया। अब वो शायद हो सकता कि इनसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता, लेकिन क्रूकेड होएगा, बहुत बड़ा डिप्रेव्ड होएगा, वो इस आदमी को इस्तेमाल करेगा और जब जाएगा तो उसके प्राण लेकर उसको खत्म कर देगा। तो उन्होंने कहा आप मंत्र जपो, आपने मंत्र जपा राम का, राम नाम का प्रभु नहीं, राम नाम का एक भूत कहीं होएगा वो आपके अंदर घुसा दे। फिर आपसे उन्होंने कहा कि आप 5 बजे के करीब हमारा इंतजार करिएगा, उस वक्त हम आप पाएंगे ठीक करेंगे, आपको जुड़ी आएगी 5 बजे। आप सोचेगा आ गए मेरे अंदर देवता, आपने सोचा मेरे अंदर भगवान आ गए, आपने सोचा हाँ 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 मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, आप क्या भगवान आने लायक आप हैं क्या, आपके अंदर भगवान आ जाए, ऐसे आप शक्तिशाली, आपके अंदर भगवान आए। उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो गई,
क्योंकि वो दूसरा आदमी आपके अंदर आ गया, उसने वो चीज दबा दी। आपने सोचा हाँ 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 कितने अच्छे हम हो गए, ऐसे स्पिरिचुअल बड़े भारी हीलर वहां लंदन शहर में तो इतने भरे हुए हैं जिसकी कोई हद। ईसा मसीह ने इसके खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाई थी। नानक जी ने भी हिंदुस्तान में बहुत उसके बाद बहुत विवरण किया है, बहुत नानक जी ने कहा। इसीलिए सिख लोग जो नानक जी को मानते हैं, नहीं नानक जी को मानने वाले लोग जो है बहुत से हैं, लेकिन उसमें सिख लोग, जैसे सिंधी लोग भी मानते हैं नानक जी, लेकिन सिंधी लोगों में इतना गुरुओं का चक्कर है इसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, जहां पैसा वहां ये भूत पहले पहुंचेंगे, उनको तो उसकी सूंघ लगती है, उनको खुशबू आती है, इसके पास पैसा है चलो। हर एक पैसे वाले के पीछे में दो चार को भी ऐसे लग नहीं थे, और सब पैसे वाले उनको चाहे हो कि मन में ये लगता है कि मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है या कोई बात हो, वो सोचते चलो इसको थोड़ा सा पैसा दे दो अपना भी पाप मोक्ष हो जाए। वो पता नहीं कि तुझसे कितना अधिक पापी ये बैठा हुआ, उसको पैसा देने से तेरा पाप नष्ट नहीं। तो उसको उन्होंने 2-4 लाख रुपया दे दिया, बाबा जी बाबा जी बाबा जी गए। एक एक बाबा जी के किस्से सुनाए तो आप लोग कहिएगा कि बाप रे बाप किस चक्कर में हम। अभी सितारा देवी ने एक का किस्सा सुना कि एक बाबा जी थे, वो किसी बड़े रईस के घर में रहते थे, तो मैं जाती थी तो मैं भी उनके यहाँ जाया करती थी। ऐसे एक दिन मेरे पास पुलिस वाले आए, कहने उनके उसने 7 लाख रुपए मारे, आपसे भी रुपया मारा था। मैंने कहा मैंने तो उनको कुछ खास दिया नहीं, हाँ भाई थोड़ा बहुत दे देती थी मैं। उसके बाद में पता हुआ कि उन्होंने 7 लाख रुपए मारे, तो पेपर में आया था कि उनको पकड़ा गया और जेल में चले गए। उसका कुछ दिन बाद मुझे मिले 7 साल बाद, तो वैसे के वैसे हट्टे खट्टे, कुछ उनको हुआ नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कब आए, मैंने उनसे ये नहीं पूछा जेल से कब आए, तो खूब जोर जोर से हंसने लगे। इतने बेशर्म होते, उनके कॉन्शियंस नहीं होता, इतने बेशर्म होते, उनको जन लज्जा या कोई लज्जा नाम की चीज, उनको जेल में 10 साल फिर बेशरम जैसे वैसे काम कर। उससे तो एक चोर अच्छा है जो कहता है कि मैं चोर हूं, चोरी करता है, वो जेल में जाता है वहां से ठीक होकर आता है, उसका वो शर्म महसूस करता है, वो सोचता है कि देखो मैंने कितने गंदा काम। लेकिन ये लोग तो सोचते कि अच्छा मैंने ठगा इन लोगों को, मेरे पास अकल ज्यादा थी इसलिए मैंने ठग लिया। हमारे यूपी में एक नटवर लाल करके महाशय हैं, वो भी हमारे श्रीवास्तवी है और वो बाप पक्के छटे हुए चोर हो, ऐसे चोर हैं, उनकी ऐसी कमाल है कि उनको कोई भी आदमी जेल में एक महीने से ऊपर रखने नहीं देते। एक दिन ऐसा हुआ कि एक जेलर साहब के यहाँ मैं गई थी, तो उनका आप नटवरलाल लाल को देखना चाहते, मैंने कहा मैं देखूंगी, मैं मिलूंगी, देखूं तो कैसा आदमी। मैंने देखा कि वो निहायत बेशर्म आदमी, इतना वो बेशर्म है कि वो कुछ भी कर सकता है, जिसको शर्म ही नहीं हो किसी की, धर्म ही जिसके अंदर नहीं हो किसी तरह का काम कर सकता है। तो भी उसमें इतनी चीज थी कि जब मैं गई तो उसने मेरे सामने आंख नहीं उठाई, कहले मैं माँ आपके सामने आंख नहीं उठाई। लेकिन ये तो इतने बेशर्म होते हैं कि मेरे से भी आंख मिलाने की कोशिश करते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, महा बेशर्मों की दुनिया में रहते हैं, और सब बेशर्म आपस में मिले रहते, कोई उनको उसमें लज्जा नहीं आती। उनको जेल में डाल दो, उनको मना कर दो कि बंबई नहीं आने का, आप मरो वहां पे पूना में, तो भी बेशर्मी करते हैं, और उनके शिष्य भी इतने बेशर्मी से बात करते हैं, इतने गंदे लोग होते हैं। कहेंगे कि एक तो लेडी मैं से कह लगे कि उनसे तो मेरी शादी हो गई, मैं तो तुम्हारी शादी हो गई, अरे तुम्हारे पति यहां बैठे हुए, तुम्हारे बाल बच्चे बैठे हैं, इतने बड़े घर की औरत हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारी उनसे शादी कैसे हो गई, वो तो मेरे पूर्व जन्म के पति। मैंने कहा कैसे पता, वो कह रहे थे। मैंने कहा वो कह रहे तो कोई ब्रह्मवासी हो क्या, ये कहने के लिए क्या लगता है दुनिया में बताओ। सोचना चाहिए मनुष्य को, हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिसको गुरु मान रहे हैं उसमें कोई पवित्रता है या नहीं। अगर उसके अंदर पवित्रता नहीं तो उसके आगे झुकने की क्या जरूरत, उसके चरणों में जाने की क्यों क्या जरूरत। जो आदमी आपको गंदी बातें सिखाता है, धन के नाम पे सेक्स सिखाता है, वो आदमी कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको आप लिख के रखें। जिस आदमी को औरतों में इंटरेस्ट है वो आदमी आपका गुरु कैसे होगा। सब धंधे करो और गुरु बने रहो, ये कौन सा भी मैंने तरीका नहीं जाना। इस तरह के गुरु आजकल हजारों निकल आए हैं, इसलिए ये जो शक्तियां हैं इसे बहुत बच के रहने की जरूरत है। आज कल युग में जो योगी तो एक बार पार हो ही जाते हैं, उनके अंदर हृदय शक्ति में भरा जा सकता है, उनको पार कर सकते हैं, और जब वो पार होते हैं तो काफी पवित्र जीव होते हैं। लेकिन इस बदमाशी में घुसने वाले लोगों को आप क्या सोचते हैं मैं पार करा सकती हूँ। कोई लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी ये लोग आप तो किसी गुरु को नहीं मानती। मैंने कहा कोई सच्चा गुरु उसको मानूंगे तो मुझे भी मानेगा, लेकिन जो दुर्जन है उसको मैं कैसे कहूं कि ये गुरु है, भाई तुम क्योंकि मानते हो इसलिए मैं इसको गुरु कहूं।
कोई तुम्हारा कल्याण उसने किया, वो सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं कि साहब आप हमारे आश्रम में आइए, सारा रुपया पैसा हमारे पास जमा कर दीजिए आप और आप यहां रहिए, पता हुआ आप ट्रांस में चले जा रहे हैं। और 80 साल की बुढ़िया औरत अपने सर पे हीरा बांध के बैठी हुई है, क्या मैं तो जगन माता, दूसरों का पैसा खा करके हीरे लगा के बैठे उसको शर्म नहीं आती? कोई उसके पति का पैसा था या उसके बाप का पैसा था? आप संन्यास लेके बैठी हुई, क्या जरूरत है आपको हीरे लगा के बैठे? आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि कलयुग में सबसे बड़ा सहयोग का विरोध इसी शक्ति के कारण होगा। ये जो गंदी शक्ति मैली शक्तियां संसार में फैली हैं, जिसके कारण से ये गुरुडम आदि फालतू की चीजें और ये आश्रम आदि फालतू की चीजें इकट्ठी हो गई, उसी के कारण, उसी वजह से आज सहयोग हमारा पनप लेता है। घर घर में, हर दरवाजे पर, हर मंदिरों में, आपके घर के मंदिर घर में भी ये भूत बैठे हुए जहां जाइए वहां। और ये सिर्फ साधारण भूत नहीं है, ये राक्षसों के अवतार हैं, ये भी जान लीजिए। 16 राक्षस, महिषासुर, रुत्तासुर, भस्मासुर, नरकासुर, सब पैदा हुए। आपने और भी जिन जिन के नाम सुने हैं, सारे के सारे आज पैदा हुए हैं और राक्षसी में पैदा हुई हैं। अपने को कहती कुछ एक होली का पैदा हो गई, आपको क्या पता? वो कहती कि मैं तो फलानी माँ हूं, चले आप चरण में। उनकी सबकी पहचान है, राक्षसों की एक पहचान है कि जब आप उनसे बात करेगा, आप देखेगा उनकी आंख छोटे होकर के एकदम बिल्ली जैसे लुप्त हो जाती है। आपको मैं इसकी ट्रिक बता दू, जब आप किसी आदमी से बात करते वक्त देखें कि उसकी आंख की जो पुतली होती सबसे काली वाली, वो छोटे होकर के गुप्त हो जाए, तो सोचना कि ये राक्षस। और ऐसे राक्षस को अगर गुरु बनाना है तो आप भी राक्षस हो जाएं, उससे कम आप नहीं। और इसलिए सहयोग के लिए बहुत जरूरी है इस बात को आप जान लें कि इस तरह के बहुत से राक्षस संसार में आकर के और आपको बेवकूफ बना करके और पैसा कमा रहे हैं। वो कमाए, मैं कहती हूँ स्मगलिंग करें, जो करना है करें, लेकिन आपकी कुंडलिनी को न छोड़ें। आपकी कुंडलिनी को ऐसा ठिकाना कर देते, बहुत से लोगों को मैंने देखा है उनकी कुंडलिनी का यह हाल हो जाता है कि वो बिल्कुल ऊपर आती है, क्षण से नीचे गिर जाती, फिर उसको ऊपर बांधती हूँ फिर नीचे गिर जाती, पता हुआ कि फलाने गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने 38 रोल्स रॉयस खरीद करके अभी लंदन में घुमा रहे हैं आराम से। आपकी कुंडलिनी ठिकाने करके आपका उत्थान नहीं हो सकता, आप पार नहीं हो सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता। अनेक ऐसे उदाहरण हमारे यहां हुए हैं। अभी रिसेंटली एक साहब मेरे सामने बहुत आर्गू करने लगने अपने गुरु के लिए। मैंने कहा बेटे बैठ जाओ, तुम अपने गुरु के लिए क्या आर्गू करो? नहीं सुना। उसके बाद खड़े खड़े कर ले, मैं ऐसे ऐसे हिलने लगे। मैंने कहा ये क्या, और अपने गुरु को बुलाओ, मेरे सामने क्यों हिल रहे? उसी वक्त एक पागल आदमी मेरे सामने बैठा था, वो भी हिल रहा था। मैंने कहा देखो ये भी अभी पागल खाने से चला रहा और तुम भी हिल रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों हिल रहे इसी से साक्षात। तो भी जरा सा बोलने को हुआ तो एकदम से उनका बदन एकदम से जम, जब उनका बदन जम गया तो कहले माँ मैं तो जम गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु का नाम बताओ। उनके गुरु का नाम लिख करके उसके 108 उसके सामने जूते मारते थे तो छूट। ये साक्षात सहयोग एकदम प्रैक्टिकल चीज है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो बात आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में आपको, कोई हवाई बात मैं नहीं कर, आप सबके सामने इसका साक्षात दे सकते हैं कि कौन सा गुरु सच है और कौन सा गुरु झूठ, उसके फोटो पर से आप बता सकते। गगनगढ़ महाराज के पास जब जाने का था तो सबने ऑब्जेक्शन किया, माता जी आप किसी गुरु के पास नहीं जाते। तो मैंने कहा ये तो गुरु ही है असली में गुरु। पहले उसे वाइब्रेशन तैयार, मैंने कहा इसके साथ का जो फोटो इसको हटाओ, फोटो हटाते ही साथ उनके वाइब्रेशन देख के सबने कहा कि हाँ भाई वाइब्रेशन तो आए। फिर घर पे जाते तक सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे, माता जी कहाँ साथ मिल चढ़ के जाएंगे। मैंने कहा चलो तुम देखो तो सही, वाइब्रेशन सर वहां से इतने जोर से उसके वाइब्रेशन आने लगे, तब सबकी आंख खुली। हाँ ये बात है, वो भी हमें पहचानते हैं, हम भी उन्हें पहचानते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह पे आए, एक ही चीज को करें। आप भी देख लेंगे, आप जब आप पार हो जाएंगे आपके अंदर से वाइब्रेशन आने लग जाएंगे, आप भी पहचान लेंगे कि कौन आदमी पार है कौन नहीं, किसकी कुंडलिनी कहाँ फंसी हुई है, किसके आगे चक्र कहाँ फंसे हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, सब आपस में आप चेकिंग करना शुरू करें। सहयोग से तो लाइट आने वाली, सहयोग से ही आप जानने वाले हैं कि कौन आदमी साधु है कौन असाधु है, आपका हाल क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कैसे। सिर्फ सहयोग से ही आप इसे जान सकते हैं, यही एक ज्ञान का मार्ग है और कोई नहीं। जब तक आपके अंदर वाइब्रेशंस नहीं आते सारी बातचीत रह जाती। ये जो मैली विद्या है इसके बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था एक बार,
तो करीबन 1.5 घंटे का लेक्चर था। आप लोगों को और अगर इंटरेस्ट हो तो उसे सुन लीजिए। मैं तो उसको सुन सुन के और कह कह करके तंग आ रहा। सिर्फ कहने का यह है कि आपके अंदर भी एक परम शक्ति जो इन दोनों शक्तियों के बीचों बीच खड़ी है और जो इन दोनों शक्तियों को ही पूरी तरह से फिर से ढक सकती है। जो ये गंदी शक्तियां हैं दोनों, जिसके कारण हमारे अंदर तकलीफ हो गई है, जिससे कि ईगो बन गया है, सुपर ईगो बन गया है, ये उसी तरह से है जैसे कि कुछ फैक्ट्री में शक्ति को इस्तेमाल करने से आपके अंदर जैसे कि धुआं होता। उस धुएं को भी कुंडलिनी शक्ति शांत कर देती है। इतना ही नहीं, वो इन दोनों ही चैनल्स को, जिसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, पहले आपको मैंने पिंगला नाड़ी कल बताई थी, आज ईड़ा नाड़ी बताई, जो हृदय चक्र पे से जाती है। अधिकतर कैंसर की बीमारी इस दूसरी, मतलब जिसको कि ईड़ा नाड़ी कहना चाहिए, उससे होती है। असर उसका दोनों तरफ आता है क्योंकि दोनों नाड़ियां ऐसी जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस नाड़ी का भी असर इस नाड़ी पे आ सकता है, पर ज्यादा कैंसर की बीमारी लेफ्ट हैंड साइड के प्रवाह से होती है। और इसीलिए कलयुग में क्योंकि इतने राक्षस एक साथ आ गए हैं, कैंसर की बीमारी भी आ गई, पागलपन भी आ गया, लोग अस्वस्थ भी हो गए, उनके नींद भी नहीं आती, परेशान भी हो गए, बहुत संतप्त हो गए हैं, बिल्कुल कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आपस में परेशानी हो रही है।